आज हम लोग बात करेंगे वजन घटाने के तीन फॉर्मूले के बारे में, तीन मेथड के बारे में, जिससे आप आसानी से बेहद कम समय में अपने वजन को कम कर सकते हो। लेकिन सबसे पहला चीज़, वजन घटाने की ज़रूरत क्या है? तो सबसे पहला ज़रूरत है, कई ऐसे बीमारी होते हैं खासकर लाइफस्टाइल से जुड़ी, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, इसके अलावा घुटनों में दर्द। ये सब बीमारी से अगर बचना है तो आपका वजन को कम करना है। एक्स्ट्रा वजन आपके शरीर में कैसे पीड़ा देता है? दोस्तों, अगर आपको बोला जाए 20 केजी या 25 केजी का एक सूटकेस लेकर थर्ड फ्लोर में जाने के लिए, वो भी सीढ़ी चढ़कर, तो ऊपर जाके आपको क्या महसूस होगा? आप हाँफने लगेंगे, आपका पसीना देने लगेगा। उसी तरह अगर आपका वजन 50 किलो होना था और आपका वजन 70 किलो है, यानी 20 किलो ज़्यादा, आप अगर सीढ़ी चढ़ के थर्ड फ्लोर में जाएंगे तो आपका हाल भी उसी तरह होगा, यानी आप 20 किलो का सूटकेस लेके ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों, ये 20 किलो को अगर आप कैरी करेंगे तो इससे आपका लोड जो है शरीर के हर एक ऑर्गन पर पड़ता है। आपका हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, लीवर को ज़्यादा करना पड़ता है, किडनी को ज़्यादा करना पड़ता है, तो इन सब अंगों पर ज़्यादा लोड पड़ता है, जो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसीलिए आपको वजन कम करना है। और वजन घटाने का दूसरी जो वजह है वो है अपने आप को फिट रखना है और स्मार्ट दिखना है। अगर आपका पेट बड़ा रहेगा और आपका वजन ज़्यादा होगा तो कोई भी ड्रेस आप पर सूट नहीं करेगा। इसीलिए अगर अपने आप को अच्छा दिखना है तो भी आपको वजन कम करना होगा। लेकिन वजन घटाने का सबसे बड़ा जो दुविधा है वो है आसानी से वजन घटता नहीं। अगर आपको आसानी से वजन घटाना है तो ये तीन तरीका को आपको अपनाना है। तो कौन सा वो तरीका है? वजन घटाने का सबसे पहला मेथड है कैलोरी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना। अगर आपको कैलोरी के बारे में नहीं पता तो वजन घटाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लोग कंप्लेन करते हैं कई तरह का एक्सरसाइज, योगा और कसरत करने के बावजूद भी आसानी से वजन नहीं घटता, और घटेगा भी कैसे? एक आम आदमी का आम जीवन जीने के लिए जितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है उससे अगर आप कहीं ज़्यादा लेते हो तो वो ज़्यादा कैलोरी आपके शरीर में फैट के आकार में जमता है और आपका वजन बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए मोटे मोटे तौर पर आपको कैलोरी के बारे में ज्ञान रखना है। अगर आप 100 ग्राम फास्ट फूड खाते हो जिसमें चर्बी, तेल या फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें लगभग 800 कैलोरी होते हैं। वहीं अगर आप 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हो, चाहे वो चावल हो या रोटी हो, इन सब में लगभग 200 कैलोरी होती है। और 100 ग्राम अगर आप फल खाते हो यानी फ्रूट्स लेते हो तो उसमें लगभग 50 कैलोरी होती है, और सबसे कम कैलोरी होती है वेजिटेबल्स पर। 100 ग्राम भेज लेने पर आपको सिर्फ 25 कैलोरी होती है। तो आपके डाइट में बैलेंस डाइट बनाने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा घटाना होगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बढ़ाना होगा। आप जितना मन चाहे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा सकते हो, इसमें आपका वजन बढ़ेगा नहीं, उल्टा घटेगा, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। अपने डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखें और कार्ब और फैट की मात्रा घटाएं। तो वजन घटाने के लिए आप अपने डाइट को इस तरह से बनाएं, आप इतने दिन जितना अमाउंट चावल या रोटी लेते थे उतना अमाउंट आप सब्जी ले लें, और सब्जी के जगह आप उतना अमाउंट चावल ले लें या रोटी ले लें। जस्ट आप अपने डाइट को रिवर्स कर दें, इससे आप देखेंगे बेहद कम समय में आपको रिजल्ट दिखने लगेगी। वजन घटाने का दूसरा तरीका है अपने शरीर के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना। तो मेटाबॉलिक रेट है क्या? आप अगर किसी काम को करते हो, उस काम को करने के लिए आपके शरीर का जो कैलोरी बर्न होती है, उस कैलोरी बर्न की जो रेट है उसे मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होता है। अगर आप गौर करते हैं तो देखेंगे कोई कोई ऐसा व्यक्ति होते हैं जो बेहद दुबले पतले होते हैं और बहुत ज़्यादा खाते भी हैं, फिर भी वो मोटा नहीं होते। तो आपको आश्चर्य लगता है कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे की एक वजह हो सकती है जेनेटिक कारण, और दूसरी वजह है शायद उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा है। वो अगर कोई काम को करता है तो उसका ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। उसी काम को अगर आप करेंगे तो आपका कैलोरी उतना बर्न नहीं होगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट उससे कम है। तो आप मेटाबॉलिक रेट कैसे बढ़ाएंगे? दोस्तों, मेटाबॉलिक रेट को कैसे बढ़ाना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। वजन घटाने का तीसरा तरीका है शारीरिक कसरत। दोस्तों, शारीरिक कसरत का कोई विकल्प नहीं होता।
चाहे आप जिम जाए, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप किसी भी तरह का गेम खेलें, आपको पसीना बहाना है। पसीना बहाने से आपका कैलोरी ज़्यादा बर्न होगा और आपका वजन तेज़ी से घटेगा। अगर आपको बेहद कम समय में तुरंत रिजल्ट चाहिए तो आप कैलोरी के साथ साथ आप अपना मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ाएं और शारीरिक कसरत भी करें, इससे आपको बेहद कम समय में अच्छी रिजल्ट मिलेगी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।